आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हम पिछले वीडियो में घनाभ के आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पर आधारित एक दिलचस्प उदाहरण देख चुके हैं। आज इस वीडियो में हम घन के आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूब पर आधारित कुछ मजेदार उदाहरणों को देखेंगे। मानस, तुम्हें जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया थॉमस। देखो माँ ने मेरे लिए कितने सुंदर और अनोखे आकार का केक बनाया है। हाँ मानस, मैंने इससे पहले कभी घनाकार केक नहीं देखा था। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? मुझे इस घनाकार केक को 8 बराबर आयतन वाले घनों में काटना है, लेकिन मैं ये पता नहीं लगा पा रहा हूँ कि इन बराबर आयतन वाले घनों की भुजाओं का नाप कितना होगा। ये तो बहुत आसान है, चलो मैं तुम्हें ये गणित के द्वारा समझाऊं। ये गणित का समय है। मानस, क्योंकि हम इस घनाकार केक को 8 बराबर आयतन वाले घनाकार टुकड़ों में काट रहे हैं, इसलिए सबसे पहले हम हर टुकड़े के आयतन को ज्ञात कर लेंगे। हम हर टुकड़े का आयतन इस घनाकार केक के आयतन को 8 से भाग करके ज्ञात कर सकते हैं। तो चलो पहले हम इस घनाकार केक का आयतन ढूंढें। ये तो झट से ज्ञात कर लूंगा। केक घनाकार है और इसके किनारों का नाप 12 सेंटीमीटर है, और जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी घन का आयतन L के घन के बराबर होता है, जहां L घन के किनारों का नाप है। इसलिए यदि मैं यहां L की जगह घनाकार केक के किनारों का नाप 12 सेंटीमीटर लिखकर इसे इस तरह से हल कर लूं, तो हम देख सकते हैं कि घनाकार केक का आयतन 1728 सेंटीमीटर घन है। अब यदि हम इस केक के आयतन को टुकड़ों की कुल संख्या 8 से भाग कर दें, तो हमें प्रत्येक घनाकार टुकड़े का आयतन ज्ञात हो जाएगा। देखो मानस, प्रत्येक घनाकार केक के टुकड़े का आयतन 216 सेंटीमीटर घन है। अब तो हमें केक के प्रत्येक टुकड़े का आयतन भी ज्ञात हो गया, लेकिन अब हम इससे प्रत्येक घनाकार टुकड़े के किनारे का नाप कैसे ढूंढेंगे? ये तो सरल है, क्योंकि घन का आयतन उसके किनारे का घन होता है, इसलिए घन के किनारे का नाप इसके आयतन का घनमूल होगा। यहाँ प्रत्येक घनाकार टुकड़े का आयतन 216 सेंटीमीटर घन है। इसे यदि हम यहाँ घन के आयतन की जगह लिखें, तो हम इस तरह से आसानी से प्रत्येक टुकड़े के किनारे का नाप ज्ञात कर सकते हैं। देखो प्रत्येक घनाकार टुकड़े के किनारे का नाप 6 सेंटीमीटर है। धन्यवाद थॉमस। चलो अब हम जल्दी से अपनी दुनिया में लौट चले। मैं इस केक को 6 सेंटीमीटर किनारे वाले 8 घनाकार टुकड़ों में काट लूंगा, और फिर हम इसे अपने बाकी 6 दोस्तों के साथ मिलकर मजे से खाएंगे। मानस ने केक को 8 घनाकार टुकड़ों में काट लिया और दोनों दोस्त अपने अन्य दोस्तों के साथ उस केक को बांटने चले गए। दोस्तों, इस वीडियो में हमने घन के आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूब पर आधारित एक मजेदार उदाहरण को देखा, तो उम्मीद है कि अब आपको घन और घनाभ के आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड की अच्छी समझ हो गई होगी।